रहीम यार खान के नवाही इलाके जमाल दीन वाली में मखतूमुल मलिक सैयद गुलाम मीरा शाह और मखतूम ज़ादा सैयद हसन महमूद के दो रोज़ा उर्स की तकरीबात इख्तिताम पसीर हो गईं। कुरान खानी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी, साबिक गवर्नर पंजाब मखतूम सैयद अहमद महमूद समेत दीगर ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह और मखदूम सैयद हसन महमूद के उर्स के आखिरी रोज कुरान खानी के बाद मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमनो अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। दुआ में साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद, MNA सैयद मुर्तजा महमूद, सैयद मुस्तफा महमूद, जिले अपोजिशन लीडर सैयद अली महमूद, सैयद मुजतबा गिलानी और अली हसन गिलानी समेत मुल्क भर से आए मुरीदैन की बड़ी तादाद शामिल हुई। सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि वो हर साल अपने नाना और मामू के उर्स में शामिल होने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब सूबे के लिए हुकूमत ने 100 रोजा प्लान जारी किया था। दो तिहाई अक्सरियत न होने पर पार्टियों के दरमियान हम आंगी पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उर्स होता है मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह साहब का, हमारे नाना का, और हमारी कोशिश होती है कि हम हर साल शिरकत जनूबी पंजाब के बारे में जो उन्होंने अपना 100 दिन के मंशूर में हिस्सा उन्होंने कहा था कि हम बना देंगे, अब उसके लिए वो कहते हैं कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है। कंसेंसस एवॉल्व करना हुकूमत का काम है, अगर हमसे राबता करेंगे हम तावन करेंगे। मखदूमुल मुल्क सैयद गुलाम मीरा शाह और मखदूम सैयद हसन महमूद के दरबार पर मुरीदैन की बड़ी तादाद में हाजिरी थी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।